हेलो फ्रेंड्स, अभिषेक हियर, एमएल कंप्यूटर चैनल, हैप्पी फिश कीपिंग डॉग हियर। और आज का टॉपिक कि हम अपने एक्वेरियम के बैक पैनल को कैसे पेंट करें, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, दो तरीके का पेंट आता है, एक होता है स्प्रे पेंट और एक नॉर्मल पेंट होता है जिसको हम ब्रश से करते हैं। ये मैंने नैरो लेग का यूज किया है, ब्लैक कलर का पेंट, क्योंकि मुझे अपने एक्वेरियम में सिल्वर अरवाना रखनी थी, इसीलिए मैंने ब्लैक कलर चूज किया है, क्योंकि सिल्वर अरवाना को डार्क प्लेसेस बहुत पसंद है। ठीक है, और दूसरी तरह का पेंट जो होता है वो स्प्रे पेंट होता है, जो कि एक जैसे आपका डीओ का बॉटल होता है उसी की तरह होता है। आपको उसको सेक करना होता है, सेक करने के बाद आपको शीशे पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऐसे स्प्रे करना होता है, तो वो पेंट होते जाता है। लेकिन वो क्या होता है कि वो हर जगह नहीं मिलता है, जैसे कि मैं एक छोटे से टाउन में हूँ और यहाँ पे वो स्प्रे पेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डिमांड में है नहीं, इसलिए नहीं मिलता है। और ये जो नैरो लेग का पेंट है या किसी भी कंपनी का पेंट, मैं यहाँ पर किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी का पेंट आपको आसानी से मिल जाएगा। आप कौन कौन सा पेंट अपने एक्वेरियम के बैक ग्लास पे यूज कर सकते हैं, देखिए, तो सबसे पहले आप ब्लैक यूज कर सकते हैं, उसके बाद आप ब्लू यूज कर सकते हैं। ब्लू थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, वाटर के साथ मतलब पानी के साथ मिक्सअप होके काफी अच्छा लुक देता है, लेकिन मुझे अरवाने रखना था, इसके लिए मैंने अपने एक्वेरियम में ब्लैक कलर का पेंट चूज किया। तो अब पेंट हम करेंगे कैसे ताकि पूरे बैक पैनल पे अच्छे से पेंट फैल जाए। आपको देखिए पेंट कैसे करना है, पेंट आप तो चाहे ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे कर सकते हैं, या फिर ये पैरेलल वाले डायरेक्शन में आप ऐसे ऐसे पेंट कर सकते, पैरेललली आप ऐसे ऐसे पेंट कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि पेंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा और कहीं कहीं जैसे कि बबल बन जाता है, पेंट फूटने का चांस बबल बन जाता है और वहां पे पेंट नहीं हो पाता है, तो वो देखने में थोड़ा सा गंदा लगता है। देखिए मेरे एक्वेरियम में आपको कहीं भी वैसा बबल नहीं दिखेगा। तो आप कितनी बार पेंट करेंगे, आपको 3 बार पेंट करना है। पहली बार जब आप पेंट करेंगे तो 24 आवर्स के लिए आप उसे वैसे ही कहीं वैसे छोड़ देंगे, आपको ले जाके अपने एक्वेरियम को धूप में नहीं रखना है, आपको एकदम शेडी एरिया में रखना है ताकि पेंट धीरे धीरे सूखे, उसमें कोई बबल ना बने। उसके बाद आपको दूसरी बार पेंट करना है और उसको भी 24 आवर्स के लिए छोड़ देना है, फिर तीसरी बार करना है, उसके बाद आप अपने एक्वेरियम को यूज कर सकते हैं, पर 24 आवर्स छोड़ देंगे तो वो सूख जाएगा अच्छे से, उसके बाद अपने एक्वेरियम को यूज कर सकते हैं। यूज करने से पहले एक बार अगर बैक में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अंदर कर रहे हैं टैंक के अंदर में पेंट बैक पैनल को, तो आपको अपने एक्वेरियम को अच्छे से धुलना होगा। ठीक है, अच्छे से धुल लीजिएगा उसको, किसी सर्फेक्सल वर्फेक्सल से या फिर हार्पिक के थ्रू धुल लीजिएगा, क्योंकि अभी तो फिश आपको ऐड नहीं करनी है। उसके बाद धुलने के बाद जो क्या होगा कि इसमें जो भी जो स्मेल आती है पेंट की, वो अपने आप हट जाएगा धुलने के बाद, और उसको वाटर फिल करके सारा सिस्टम ऑन करके 1 वीक के लिए उसे वैसे ही छोड़ देना है, फिल्ट्रेशन सिस्टम और एयरेशन ऑन करके 1 वीक के लिए उसे वैसे ही छोड़ देना है, और उससे क्या होगा कि आपका टैंक रिसाइकल हो जाएगा और जो भी हार्मफुल केमिकल जो बच गए होंगे आपके टैंक में वो भी धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे। और आप क्या करिएगा कि दो दो तीन तीन दाना मछली का, दो दो तीन तीन दाना फिश फूड आप अपने एक्वेरियम में इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। दो तीन दिन दाना अपने एक्वेरियम में इंट्रोड्यूस करते जाइएगा, ताकि क्या होगा कि उससे जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होती है आपके वाटर में मिक्सअप हो जाए, बिल्ड हो जाए बेनिफिशियल बैक्टीरिया, और वो देखने में मतलब वाटर भी क्लियर करेगा और आपके फिशेस को भी कुछ नहीं होने देगा। तो मैंने ऐसे ही किया है, एक हफ्ते तक मैंने वाटर फिल करके छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने ये अरवाना ऐड की है। अगर आपको अरवाना के ऊपर वीडियो चाहिए कि मैं इसको कैसे देखभाल करता हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए। आप मुझे सजेशन देते रहेंगे तो मैं जल्दी से जल्दी उस वीडियो को बनाने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, अभी तक
ये 500 सब्सक्राइबर कवर नहीं कर पाया है, तो प्लीज ऐसा करिए कि 500 सब्सक्राइबर क्रॉस कर जाए और हम काफी अच्छे ग्रोथ करें। आप ही की वजह से ये सब हो पाएगा और मैं भी अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करता रहूंगा और नए नए प्रोजेक्ट में इस एक्वेरियम से रिलेटेड या फिर नए नए प्रोजेक्ट अलग अलग एक्वेरियम से रिलेटेड लेते आऊंगा और कहीं घूमने गया तो उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, मतलब अलग अलग पेट शॉप्स के और एक्वेरियम शॉप्स के, पॉन्ड हो गया, ऐसे करके अलग अलग वीडियो आती रहेगी। उसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना होगा, क्योंकि आप मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। उसके बाद कुछ दिन के लिए मैं वैसे ही पूरा चैनल वैनल पर ध्यान देना छोड़ देता हूँ, तो समझ रहे हैं ना आप। तो नेक्स्ट वीडियो अरवाना के केयर पे आएगी, अभी मुझे इसको लिए हुए 6 डेज हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक दो वीक और देख लिया जाए कि इसकी ग्रोथ कैसी चल रही है, तब मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि जब मैंने अरवाना लाया था और मैंने पॉलिसी में ही उसका वीडियो बना लिया है कि वो 3 इंच की है, अब एक दो हफ्ते में क्या उसमें साइज इम्प्रूव होता है, क्या होता है, वो दिखेगा और वो आपको भी दिखेगा। और मैं इस पर सारा वीडियो बना दूंगा, केयर टेकिंग के बारे में सब कुछ, कैसे मैं देखभाल कर रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैं कहीं भी देखने नहीं जाऊँगा, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसे करना है। शायद ये मेरा वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस टॉपिक वीडियो बनवानी है। थैंक यू।